नाउ एक्चुअली मॉर्गन, ओके, तो आज आप जो जानते हो मॉर्गन का काम है, तो मॉर्गन सिलेक्टेड ओके ड्रोसोफिला बिकॉज, ओके, क्यों ड्रोसोफिला उन्होंने सिलेक्ट किया भैया? तो ड्रोसोफिला सिलेक्ट करने का कारण क्या है? नंबर वन, इजीली अवेलेबल कॉमा चीप कॉमा इजी टू वर्क विथ। तो ये तो सबसे पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट दैट ही ऑल्सो फाउंड कॉन्ट्रास्ट, ये एक्चुअली लास्ट में लिखेंगे आप, बिकॉज उनको मिला ही नहीं। तो उसके बाद लिखेंगे क्रोमोसोम नंबर इज 2n = 8, एट ओके, 2n = 8, XX XY मेथड ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। आप लोग ये तो स्कूल में पढ़ी लिए हो गए, XX XY मेथड ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। यस सर नो, जो लोग जाते होंगे कम से कम वो तो बोल दो। चलिए, कुछ नहीं पता नहीं बोलोगे तो क्या करें? नहीं, जो लोग करते हैं क्लास उनको तो बताना चाहिए ना, या जो दूसरे बच्चे हैं उनको तो बताना चाहिए, बिकॉज आपको आपका सिर्फ डायहाइब्रिड क्रॉस तक आएगा। सेकेंड चैप्टर वो लिखा था ना, टिल डायहाइब्रिड क्रॉस, तो ये सब नहीं आएगा। चलिए, तो ही ऑल्सो फाउंड कॉन्ट्रा, ये बाद में लिखेंगे। तो क्रोमोसोम नंबर 2n = 8, XX XY मेथड ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, बट ये आप JJS क्लासेस में ही जानेंगे, बट नाउ वाई क्रोमोसोम ऑफ ड्रोसोफिला इज फाउंड टू बी क्या? कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमाटिन एंड नेवर एक्सप्रेसेस इट्स जीन, समझ रहे हो? तो इसीलिए जो हम लोग यस बोलते थे सर, कि वो XX XY मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन है, वो एक्चुअली आज के डेट पे क्या है? वो गलत साबित हो गया है। ठीक है जी, नेवर एक्सप्रेसेस इट्स जीन, इट इज ऑल्सो नोन एज क्या? वाई स्पॉट। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू ब्रिजेस, ओके, स्टेबिन्स एंड गोल्ड स्मिथ, ओके, अकॉर्डिंग टू ब्रिजेस स्टेबिन्स एंड गोल्ड स्मिथ, सेक्स इन ड्रोसोफिला इज गवर्न बाई क्या? जेनिक बैलेंस मेकानिज्म। अंडरस्टूड? उसको हम लोग जेनिक बैलेंस मेकानिज्म कहते हैं। सो दिस वी विल डिस्कस लेटर ऑन। चलिए, तो ये मॉर्गन को मालूम नहीं था, ये मेरा पॉइंट है, ओके, मॉर्गन के लिए XX XY। अंडरस्टूड? नेक्स्ट पॉइंट, तो फिर उन्होंने क्यों लिया भी है उसको? ओके, तो लाइफ स्पैन लाइफ स्पैन वाज नियरली 35 to 45 days, सो इन 1 year वन कैन स्टडी क्या? वन कैन ट्वेल्थ स्टडी जनरेशन नियरली 8 generations। यस फोर्टी सर, फोर्टी फाइव वाला ले लेते हैं, 8 to 10 सर लिख लेते हैं, 8 to 10 generations ऑफ फ्लाइज विच वुड टेक नियरली 8 years इन बी एंड नियरली
150 or more years in case of humans. ठीक है, तो अगर आप ह्यूमन जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो आपको कम से कम लग जाएगा क्या, एक साल, क्या 100 साल. Understood? So that is why ये उनका concept है. Sir, बोलो. Sir, 10 generation है ना? किसका? Human के लिए. Human के लिए क्या generation है? Sir, 10 generation के लिए तो 800-900 years लगेगा ना? भाई हम तुम्हारा मरने तक का इंतजार नहीं करेंगे, तुम बच्चे बनाओ उतना इंतजार करेंगे, समझ रहे हो? Yes, तो लेट अस अज्यूम कि एक लड़की 15 साल में बच्चा जनेगी, तो 15 × 6 कितना हो गया, 90, तो अराउंड 8 जनरेशन हम देख लेंगे, समझ रहे हो? Yes, sir. ये हमने वर्स्ट सिचुएशन लिया है, भाई हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, हम तुम्हारा भला ही नहीं देख रहे हैं. इसीलिए आप समझ में आया व्हाई पीपल डोंट डू एक्सपेरिमेंट्स ऑन ह्यूमंस, बिकॉज़ वो आपका एक आदमी कभी कर नहीं सकता. ओके, एक्चुअली जेनेटिक्स में हमें उतना 8 जनरेशन से क्या होता है, टेंशन फ्री हो जाता है, बट एक्चुअली हाउ मेनी जनरेशन यू नीड, बोलिए, आपका 5-6 जनरेशन में चल जाएगा. ओके, चलिए, तो ये एक और फीचर हो गया. उसके बाद और क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लाइफ स्पैन हो गया, चलो लिख लेते हैं. ही ऑल्सो फाउंड कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स. ओके, सो लाइक दैट. नाउ ही वांटेड, एक्चुअली वो करना क्या चाह रहे थे, ही वांटेड टू सी इफ मेंडलिज्म can be seen in drosophila. Okay, तो वो देखना चाहते थे कि क्या मेंडलिज्म हम drosophila में देख पाएंगे, तो ये वो करना चाह रहे थे. Okay, now तो बहुत खुशी से शुरू किए थे, but it took him nearly 4 years to find out, the first mutant allele. Okay, तो जो पहला mutant allele है उसको ढूंढते ढूंढते उनको 4 साल लग गया. भाई 4 साल में उनका तो सारा काम हो जाना था ना, तो दे आर सो पॉजिटिव कि हमारा धड़ाधड़ काम हो जाएगा, इसलिए उन्होंने धड़ाधड़ क्या किया, सब काम शुरू कर दिया. पर प्रॉब्लम क्या हुआ कि उनका जो पहला कैरेक्टर है वही मिलते मिलते उनको लग गया क्या, 4 साल. सो मैंने दे आर वेरी वेरी सैड एक्चुअली, फाइन, बट एक बार मिल गया फिर थोड़ा आसानी हो गया, तब तो जानते हो ब्रेक्स तो लगते ही है कभी ना कभी, तो लाइक दैट. तो इसलिए दो दे स्टार्टेड दैट कि उनका काम जल्दी हो जाएगा, उतना जल्दी हुआ नहीं, 4 साल लग गया मॉर्गन को सिर्फ पहला कैरेक्टर. ओके, सो इट वाज ए क्या, वाइट आइड मेल. तो ये आपका एक पीएमटी क्वेश्चन है, ये एक वाइट आइड मेल है. The contrasting trait was क्या, red eyes. Okay, तो इसलिए उनको 4 साल लग गया पहला mutant ढूंढने में, and it was white-eyed male. ठीक है ना, उन्होंने जब ये क्रॉस किया तो उनको पता चल गया कि ये सेक्स लिंक ट्रेट है, इसलिए हम लोग जो जीन्स हैं वो एक्स पे रख के ही काम करते हैं. ओके, बट लेट अस अज्यूम कि हम शुरू से कर रहे हैं, तो इसलिए अब हम लोग करेंगे क्या, क्रॉस. ओके, अगेन जैसे हमने सीखा था मॉर्गेनिज्म में, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे,
क्रॉस वन, अगेन ये नेम क्रॉस है, समझ रहे हो, तो इसलिए इसको आप बदल नहीं सकते। क्रॉस वन मोनोहाइब्रिड कैरेक्टर है, तो रेड वर्सेस क्या व्हाइट आईड कैरेक्टर, ठीक है, तो रेड वर्सेस व्हाइट आईड कैरेक्टर ये उन्होंने स्टार्ट किया। ओके सो दिस वाज द फर्स्ट क्रॉस, तो पेरेंट उन्होंने क्या लिया भैया, सो पेरेंट उन्होंने लिया, तो पेरेंट व्हाट दे टू, तो वो मजबूर थे भैया, वो अपने मन से तो ले नहीं सकते थे, तो रेड आईड क्या लेंगे वो, फीमेल, क्यों, बिकॉज उनको व्हाइट आईड रेड आईड फीमेल, व्हाइट आईड फीमेल मिला ही नहीं, तो दिस इज दे वर बाउंड टू टेक दिस, ओके रेड आईड फीमेल एंड उसको क्रॉस किया व्हाइट आईड मेल के साथ। आप इसका जो जीनोटाइप है हम लोग इसको क्या लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे W प्लस ओके फाइन, तो इसको आप लिखेंगे W प्लस इस तरह से लिखेंगे और ओके हम लोग एक क्रोमोजोम बना के भी लिख सकते हैं, ओके आप उसके ऊपर आई के ऊपर W प्लस लिख सकते हो, सिग्निफाइंग है क्रोमोसोम, ठीक है। नाउ व्हाई दे हैव टेकन X, बिकॉज़ वो X लिंक्ड कैरेक्टर है, बट वो बाद में पता चला इसलिए हम उसको पहले नहीं लेंगे, तो आप उसको आई कर कैसे करेंगे ये पता नहीं, तो आई का जो सुपरस्क्रिप्ट ले सकते हो W प्लस ओके स्लैश आई ओके W प्लस ओके, तो ये आप इस तरह से जीन अक्षर ले सकते हैं, समझ में आया, या सिंपली भी प्लस प्लस ले सकते हैं, यू कैन टेक दिस एज जीन अल्फाबेट और सिंपली प्लस 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 भी ले सकते हो, सॉरी और ओके प्लस स्लैश प्लस, आई समझ, यू कैन टेक दिस एज जीन अल्फाबेट्स, उसका ऑपोजिट जीन अल्फाबेट क्या लेंगे हम, ओके उसको हम लोग यहां लिखेंगे, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसको आप लिखोगे क्या W लोगे, तो इसमें तो और का सवाल ही नहीं है, और I W, ठीक है जी, इस तरह से आप क्रॉस करेंगे ना, तो हम लोग कोई एक ही लेंगे, तो इसलिए हमारा गैमिट क्या है, तो हमारा गैमिट क्या बन जाएगा बताइए, सो विल टेक एनी वन, हाँ तो हम लोग ले लेंगे वो आई डब्डा वाला लेके नहीं, हम लोग नॉर्मल वाला ले लेंगे, ठीक है, तो ये है सपोज W प्लस ओके, बिकॉज ये होमोजाइगोट है तो उसका यही आएगा ओके W प्लस एंड इसका क्या आ जाएगा सिंपली W, तो इसीलिए अब इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, सो F1, सो एफ वन क्या आएगा बोलिए, तो एफ वन जो है वो क्या आएगा हमारा बताइए, व्हाट विल यू गेट, डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू नहीं फिनोटाइप, फिनोटाइप आएगा रेड 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 ओके रेड आईड बोथ, तो रेड आईड मेल फीमेल दोनों आ जाएंगे और क्या, तो इसीलिए इसको हम कैसे लिखेंगे W प्लस स्लैश W, ठीक है, तो ये आपका F1 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे ऑन इन ब्रीडिंग, क्योंकि एनिमल्स को तो हम सेल्फ नहीं कर सकते ना, तो ऑन इन ब्रीडिंग आपको क्या मिलेगा, तो यू विल गेट ए पनेट स्क्वायर, ओके तो हम इधर पनेट स्क्वायर बनाएंगे,
So we will insert a table of how much? 3 tab 3 cross 3. Okay, तो 3, 3 बनाएंगे हम लोग. तो हमारा क्या क्या आ जाएगा देखिए. चलिए तो इधर हम लोग क्या लिखेंगे, दिस इज W, ओके W प्लस ओके एंड इधर क्या आ जाएगा W, ठीक है. उसी तरह इधर क्या आ जाएगा W प्लस ओके एंड इधर क्या आ जाएगा W, ठीक है. सो इसीलिए ये जो आपका टेबल है इसको हम करेंगे. सो दीज आर द गैमेट्स. तो ये क्या हो जाएगा बताइए. W प्लस तो पूरा तो W प्लस W प्लस ओके तो ये आपका W प्लस हो गया. फाइन तो ये आपका W प्लस इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे. ओके सो इसलिए ये आपका W प्लस इधर एक स्लैश मारेंगे. ओके स्लैश इधर भी हम लोग एक स्लैश मारेंगे, इधर भी हम लोग एक स्लैश मारेंगे एंड इधर भी हम लोग एक स्लैश मारेंगे. क्लियर. तो ये क्या हो जाएगा W प्लस W, ये क्या हो जाएगा W प्लस W, ये हो जाएगा W एंड W. तो इसका फिनोटाइप क्या आ जाएगा बताइए. रेड रेड आईड. ओके इसका फिनोटाइप रेड आईड है, इसका फिनोटाइप रेड आईड है, इसका फिनोटाइप रेड आईड है, इसका फिनोटाइप रेड आईड है. व्हाइट दुखी मत हो, दुखी मत हो, ये इस बदमाशियों से तो हटू मैं. इसमें एंटर करने से दूसरा कॉलम में चला है तो क्या करेंगे सर. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वर्क विद इट. क्या करेंगे रे बाबा. ऐसे लिख देते हैं तो ये आ जाएगा वाइट आई. अंडरस्टैंड. तो इसीलिए ये हमारा क्या हो गया. सो दिस इज वाइट आई. तो दिस इज द कंसेप्ट. तो अब व्हाट इज एफ टू फिनोटाइपिक रेशियो. बोले तो एफ टू क्या मिला उनको, 3 रेड आई इज टू 1 इज टू 1 वाइट आई. अंडरस्टूड. तो ये उनको मिला. ओके सो दिस इज द थिंग व्हिच दे गॉट. सो was he happy or not, so he gave a conclusion. Yes sir. So kya conclusion unhone diya. So actually unka conclusion kya tha, kyunki wo mendelism prove karna chah rahe the, prove ho raha hai ki nahi. So yes, the result of this cross was as stated by Mendel. So Morgan was happy and felt that Mendelism was could also be applicable to any noise. Okay, so ye conclusion unhone ओके. नाउ कंक्लूजन नंबर 2 पॉसिबली. ओके द वाइट आई कैरेक्टर इज ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू
मिक्स, समझ रहे हो? तो ये दो कंक्लूजन उन्होंने रखा। कंक्लूजन नंबर वन कि शायद मेंटलिज्म करेक्ट था, ओके, बिकॉज जैसा मेंडल को आया था उनको भी वैसा ही आया। एंड कंक्लूजन नंबर टू, पॉसिबली द कैरेक्टर इज व्हाट, व्हाइट आइड कैरेक्टर इज रेस्ट्रिक्टेड टू। फाइन, एनी डाउट्स अबाउट द क्रॉस? तो देख रहे हो आपको किस तरह से क्रॉस करना है, तो आपको बिल्कुल इसी तरह से क्रॉस करना है। एंड मैंने आपको फिगर में भी दिखा दिया है, सो व्हाई दे हैव टेकन एक्स, बिकॉज दे हैव टेक, बिकॉज दिस कैरेक्टर इज लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम। बट हम वो अभी नहीं बोल सकते क्योंकि हमने तो उसको प्रूव नहीं किया ना। सो आई प्रीफर टीचिंग इट द वे दे फेस्ट, समझ आया? तो इसीलिए हम इसको कंक्लूड करेंगे, डू अंडरस्टैंड? तो इसीलिए ये दोनों केसेस मैंने आपको दिखा दिया। तो ये था मेंडल का क्रॉस नंबर वन। फाइन, सो दिस इज आपका फर्स्ट क्रॉस, मेंडल्स क्रॉस नंबर वन। ये तो इतना बड़ा फॉन्ट है। चलिए, सो अब हम लोग चलेंगे। तो अब व्हाट वाज द कंसेप्ट? तो मॉर्गन ने देखा, जाहो जो मेंडल ने किया वैसा ही सब कुछ जा रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग अकॉर्डिंग टू प्लान। सो देन मेंडल, क्या मॉर्गन वाज हैप्पी आफ्टर द फर्स्ट क्रॉस, ओके, फर्स्ट क्रॉसेस सक्सेस है कि नहीं? क्योंकि भाई जो वो साबित करना चाह रहे थे वो तो हो गया भाई, तो इसलिए वो वह काफी खुश थे, ओके। सो ओके, सो ही वांटेड टू फॉलो अदर मेंडेलियन प्रोसेस ऑल्सो, ठीक है। सो नाउ He had two other options. So he had two other options with respect to kya? Mono hybrid cross. Okay, so number one is reciprocal cross, but it was not possible as he did not have kya white eyed female for the cross, समझ रहे हो? तो दूसरा क्रॉस क्या कर सकते थे वो? वो रेसिप्रोकल क्रॉस कर सकते थे। तो रेसिप्रोकल क्रॉस में हम क्या करेंगे? मोनोहाइब्रिड क्रॉस वन में सेक्स को बदल देंगे। बट प्रॉब्लम क्या था? उनके पास वाइट आइड फीमेल नहीं था, ओके, क्रॉस। बट ही हैड रेड आइड मेल, रेड आइड मेल तो था, वो तो पहले से ही है, बट वाइट आइड फीमेल नहीं है। तो कैन वी डू द क्रॉस? बोलो। नो सर। तो अब हम लोग दूसरा ऑप्शन क्या है? टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस का क्या होता है? तो इन दिस क्रॉस, ओके, एफ वन, ओके, एफ वन प्रोजेनी इज क्रॉस्ड विद होमोजाइगस रिसेसिव क्या पेरेंट, अंडरस्टूड? तो इस केस में इन हिज क्रॉस, इन दिस क्रॉस एफ वन इज क्रॉस्ड विद होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, तो क्या यह हो सकता है? सो दिस क्रॉस वाज ओनली पॉसिबल इफ वी टेक क्या वाइट आइड एफ वन रेड आइड फीमेल एंड वाइट आइड मेल पेरेंट,
ठीक है, तो अगर ये लोगे तो हो सकता है, दूसरा वाला नहीं हो सकता। सो इट वॉज पॉसिबल एंड हेंस मॉर्गन्स क्रॉस टू इज रेफर्ड टू एज टेस्ट पास। समझ रहे हो? तो इसलिए इधर हम लोग क्या लिख देंगे, टेस्ट पास। इज इट अंडरस्टूड और नॉट? ये पॉइंट समझ में आया? चलिए, तो इसीलिए भाई उनको कुछ ना कुछ तो करना था, तो भाई रेसिप्रोकल के लिए उनके पास सामान नहीं था, तो फिर उन्होंने बोला चलो टेस्ट क्रॉस ही कर लेते हैं। बट टेस्ट क्रॉस भी एक ही केस मुमकिन था अगर हम मेल पैरेंट को लें तो, क्योंकि रिसेसिव पैरेंट था ही नहीं हमारे पास। प्लीज रिमेम्बर, जिसको हम यहाँ रिसेसिव बोल रहे हैं वो एक्चुअली आप म्यूटेंट बोलेंगे। अंडरस्टूड? यस सर। आई एम यूजिंग मेंडेलियन टर्मिनोलॉजीज बिकॉज ही वॉज ट्राइंग टू फॉलो मेंडेलिज्म, क्योंकि वाइल्ड रिसेसिव बाद में टर्म्स आया। क्यों? वो वाइल्ड एंड रिसेसिव पॉपुलेशन जेनेटिक्स के टर्म है, आफ्टर द रोल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ओके, चलिए, तो अब हम लोग इसलिए क्रॉस नंबर टू करेंगे। तो नाउ वी विल डिस्कस क्रॉस टू मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो उसमें क्या लेंगे? सो वी विल टेक F1 रेड आईड। ओके, तो हम इसमें लेंगे F1 रेड आईड क्या? फीमेल। ओके, वी विल टेक F1 रेड आईड फीमेल एंड वी विल क्रॉस इट विथ व्हाट? व्हाइट आईड मेल पैरेंट। ठीक है, इसलिए अब इसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा? So, इसलिए जीनोटाइप हो जाएगा, तो दूर कर देते हैं, तो इसका जीनोटाइप क्या आ जाएगा बोलिए? W+W एंड ये क्या हो जाएगा? दिस इज W।